हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दो दिनों बाद फिर से हम आ गए स्टूडियो पे और आपके लिए एक फिर से बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वीडियो में। दो दिनों पहले देखो आपको एक वीडियो बना के दिया था, ये वाला वीडियो जाके देखना। उस वीडियो में आपको हमने तीन कॉइन दिए थे, पहला कॉइन था फिदा, दूसरा कॉइन था RAD और तीसरा कॉइन था RVN। RVN ने लगभग 23-24% जो है यहाँ पे रिटर्न दिया है विद इन 2 डेज के अंदर, और यहाँ पे फिदा ने दिया लगभग 15% के आसपास में, तो अराउंड 40% 2 दिनों के अंदर जो है रिटर्न आपको इन कॉइन से मिला है। RAD ने ज़्यादा नहीं दिया, पर इन दो कॉइन में भी अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा हमारे बोलने पे बढ़िया प्रॉफिट में होंगे, वो भी सेफ इन्वेस्टमेंट, सेफ यहाँ पे स्पॉट में आपको कॉल दिया था कि आपको बाय करना है एनालिसिस करके। आज बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके साथ में शेयर करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे और वीडियोस के लिए ट्विटर टेलीग्राम सब जगह फॉलो कर लेना। साथ ही टेलीग्राम पे फॉलो करोगे ना तो वहां पे बहुत सारे फ्यूचर के कॉल, स्पॉट के कॉल आपको मिलते रहेंगे, बहुत सारी अपडेट मिलेगी, और ज्यादा पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपको जानना है तो इंस्टाग्राम पे नीचे लिंक दी हुई है, वहां पे जाके फॉलो कर लो। 2 दिनों तक हम कहां थे, किसके साथ थे, आपको सारी डिटेल वहां पे पता चल जाएगी। तो चलिए यहां पे बात करते हैं सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन देखो, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में यही बताया था कि अगर बिटकॉइन $45,000 ब्रेक करे, एक छोटी शॉर्ट की ट्रेड बनती है, अगर यहां से रिजेक्शन आया तो आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, पर अगर 45,300 ब्रेक करे तो आपको निकल जाना है। अगर $45,000 ब्रेक कर दिया और होल्ड किया तो यहां पे बड़ा चांस है कि हम वापस से $50,000 के लिए जाएंगे, और यहां पे हमने थंबनेल भी आपको क्लियर इंडिकेट किया था कि $50,000 तक जा सकते हैं, और लगभग देखोगे तो $48,000 के आसपास तक तो बिटकॉइन आ गया है। अभी क्या नेक्स्ट यहां पे हो सकता है वो समझते हैं। देखो अभी जो प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई है ना, अभी जो रिसेंट का इस साल का जो ऑल टाइम हाई था 2023 का, वो है अराउंड $49,000 के आसपास में, ठीक है। अभी चल रहा है 47,300-47,400 के आसपास में, और अभी जो मेन रेजिस्टेंस है वो यही है 49,500 से लेके अराउंड $50,000 के आसपास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है क्योंकि ये एक बहुत साइकोलॉजिकल एक लेवल है, ये वाला अगर ब्रेक करेगा ना तो फोमो मार्केट में और आएगा, और अगर ये ब्रेक नहीं करता है वहीं से गिरता है तो फिर वापस से हो सकता है हम $45,000 पे अब आएं, क्योंकि अब $45,000 जो है वो सपोर्ट बन गया है। तो आपको सपोर्ट पे जो है आए तो थोड़ा सा बाय करना है आपको, मैं इसीलिए बोल रहा था 38,800 जब आया था आपको बाय करना है, वहां पे बार बार मैंने आपको बोला था कि बाय करके चलो, ज्यादा चांसेस है कि यहीं से बाउंस कर जाएगा, और अभी अगर आप देखोगे तो वहीं से लगभग बाउंस होके अब वापस से $47,000 के करीब आ गया है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी थोड़ा सा आपको वेट करना है कि एटलीस्ट ये $50,000 को ब्रेक करके ऊपर की ओर जाए, अगर नहीं जाएगा रिवर्सल आएगा ना तो वापस से हम $45,000 का लेवल देखेंगे, क्योंकि देखो फरवरी जो है ना जल्दी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आने वाला है मार्च, और अप्रैल में आपको पता है क्या है, अप्रैल में होने वाली है हॉल्विंग, तो अब धीरे धीरे फोमो का जो लेवल है ना वो बढ़ना यहाँ पे स्टार्ट होगा, जिस तरीके से ETF का फोमो था वैसे ही अब हॉल्विंग का फोमो होगा, फिर जब यहाँ पे हॉल्विंग आएगी ना तो उसके बाद से शायद फिर हमें गिरावट देखने को मिले। हॉल्विंग के पहले पहले जितना यहाँ पे पंप होना है वो हो जाएगा, उसके बाद में जैसे ही यहाँ पे हॉल्विंग कंप्लीट हो जाएगी सारा फोमो खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद में शायद यहाँ पे हमें यहाँ पे क्रैश आता हुआ बिटकॉइन में दिखाई दे। तो अभी मौका है, अगर $45,000 भी आ जाए आपको डिप में बाय करना है, हो सकता है कि हॉल्विंग के पहले पहले तक 50 या 55 तक भी हम यहाँ पे बिटकॉइन को देखें, इसलिए डिप में जो भी अपॉर्चुनिटी मिले ना आपको बाय करना है। इसलिए मैं आपको बार बार जो है 19,000 पे, 18,000 पे, 20,000 पे और यहाँ पे 25,000 पे बार बार मैंने आपको एडवाइस किया है कि मत देखो कि डिप में कब आएगा $12,000 $10,000, है ना, आपको कंटिन्यू बाय करते रहना जिससे आपको बड़ा रिटर्न मिल सके। और अगर आपने वो चीजें फॉलो करी होगी जो हमने आपको कॉइंस दिए थे डिप कॉइन, आज उन कॉइंस की वैल्यू देखो कहां पे है, RNDR 10x हो गया, AGIEX 10x हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉइन जो है ना 10x हो गए, और कुछ कुछ तो कॉइन अभी भी मतलब आपको 3x 4x 5x पे दिख जाएंगे। तो वो जो डिप बाइंग सीट थी ना हमने जो आपको दी थी 2022 में, अगर उसके अकॉर्डिंग आपने इन्वेस्ट किया होगा तो बढ़िया आपने प्रॉफिट किया होगा। तो ये था बिटकॉइन का अपडेट। अब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, इसको मिस मत करना। 9 दिनों के लिए यहां पे बाइनेंस के लॉन्च पूल में आ चुका है पिक्सल, और ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट वेब 3 गेमिंग प्रोजेक्ट है। 150K से भी ज्यादा इसके जो है ना गेमर है इसमें इनरोल्ड हैं लोग, और काफी एयर ड्रॉप भी इसने दिया है।
बाइनेंस अब इसको लिस्ट करने वाला है जल्दी, पर अभी आपके पास में 8 दिन का टाइम बचा है। इस 8 दिनों में अगर आपके पास में बीएनबी पड़े हैं उसे स्टैक कर दीजिए, एफडी यूएसडी पड़े हुए हैं उसे स्टैक कर दीजिए। यहां पे आपको फ्री में जो है टोकन्स मिलेंगे, आवरली टोकन्स मिलने वाले। यहां पे मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूं, वहां पे बताऊंगा कैसे करना है। अगर आपका अकाउंट अभी भी बाइनेंस में है, फंड रखे हो, तो थोड़ा बहुत यहां पे फायदा उठा लो, बढ़िया फायदा अभी आपको मिल रहा है। अगर अकाउंट नहीं बनाया हो तो नीचे लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप बना सकते हो। यहां पे कैसे प्रोसेस करना है, इसमें स्टैक कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं पिक्सल्स में, और बढ़िया रिटर्न मिलने के चांसेस है। लास्ट में इसका प्राइसिंग भी बताऊंगा कितना जा सकता है। तो यहां पे मैं आपके सामने लाइव दिखाऊंगा कितने मैं बीएनबी स्टैक कर रहा हूं, आपको भी अगर आपको करना है तो कर सकते हो। यहां पे फ्री का पैसा एक तरीके से मिल रहा है और 8-9 दिन का लॉन्च पूल है ना, तो अच्छा रिटर्न यहां पे मिलने के चांसेस है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बाइनेंस का ये ऐप ओपन करना है। अगर आपके पास बाइनेंस है यहां पे साइड में चले जाना है, उसके बाद में यहां पे लॉन्च पैड आपको सेलेक्ट करना है। लॉन्च पैड सेलेक्ट करोगे उसमें लॉन्च पूल का ऑप्शन आपको दिखेगा, उसमें पिक्सल का फार्मिंग आप यहां पे कर सकते हो। उसमें एफडी यूएसडी और बीएनबी यूएसडी का पूल दिखेगा, बीएनबी यूएसडी में 15 मिलियन यहां पे हो चुके हैं। बस आपको बीएनबी वाले में जाना है, यहां पे जो भी बीएनबी आपके पास में है, नहीं है तो बाय करना है, मैक्स पे करना है और यहां पे कर देना है। 11.068 के आसपास में मैंने बीएनबी स्टेक किए हैं और यहां पे ये आपको माई स्टेक में दिख जाएगा, और इस तरीके से आप यहां पे बीएनबी को स्टेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एफडी यूएसडी भी यहां पे स्टेक कर पाएंगे, और ये एक सिंपल सी प्रोसेस है। जितने ज्यादा बीएनबी स्टेक करेंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे, उतने ज्यादा टोकन आपको यहां पे मिलेंगे, और फ्री का पैसा है, 8-9 दिनों का टाइम है, तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा पिक्सल जो टोकन है ना वो अर्न कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि यहां पे स्टैक कर दें बीएनबी अगर आपके पास में है, और इन 8-9 दिनों में अगर मार्केट और पंप होता है तो बीएनबी का भी प्राइस बढ़ जाएगा और पिक्सल भी आपको फ्री में मिल जाएंगे, तो दोनों तरफ से आपका काम हो जाएगा और एक बड़ा रिटर्न ये दे सकता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट वेब 3 गेमिंग प्रोजेक्ट है ये, और इसलिए मुझे लग रहा है ना कि इसका जो प्राइसिंग है लगभग अराउंड $0.5 के आसपास में तो आराम से आपको देखे जाएगा। अगर आपने कुछ टोकन यहां पे फ्री में अर्न कर लिए ना, तो आपको $200-$400 तो इजीली मिल सकते हैं अगर आप ज्यादा बीएनबी यहां पे स्टैक करेंगे। तो ये सिंपल सी स्टैकिंग प्रोसेस है, जाके स्टैक कर दीजिए बीएनबी और यहां पे अर्न करिए आपका रिवॉर्ड, और जब भी लिस्ट होगा उसके समय आपको बताएंगे कितना गया है और क्या कहां पे आपको डिप में बाय करना चाहिए। तो इस वीडियो में दोस्तों यही चीज आपको बतानी थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।